देखिए किसी भी लॉ के तीन पार्ट्स होते हैं, एक आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो मैं बात कर रहा था कि किसी भी लॉ के आप बात करते हैं तो तीन उसके आस्पेक्ट्स होते हैं। एक उसका एस्पेक्ट होता है लीगल एस्पेक्ट, सेकंड उसका सोशल एस्पेक्ट होता है, एंड तीसरा उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है। देखिए लीगल और सोशल के ऊपर हम सभी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट अब तक सरकार ने कहीं पर इसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट की बात करी है? आप एक चीज़ देखिए, अभी हमने NRC किया है असम के अंदर, 3.2 करोड़ की पॉपुलेशन है वहाँ पर, जहाँ पर हमने 19 लाख लोग निकाले हैं जो कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए। मैं आम पब्लिक के खर्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेजरी की बात कर रहा हूँ, मैं सरकारी खर्चे की बात कर रहा हूँ। उस खर्चे के अंदर जो एस्टीमेट है वो 1200 करोड़ से लेकर 1600 करोड़ तक का एस्टीमेट है एक स्टेट के ऊपर, एंड ज्योग्राफिकली डेट इज़ ओनली 2.4% ऑफ इंडियाज ज्योग्राफिकल एरिया। नाउ हम बात कर रहे हैं 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर की, पूरी इंडिया की 135 करोड़ लोगों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देश भर के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को हम लेकर आएंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले CAB आने जा रहा है, CAB आने के बाद NRC आएगा, और NRC सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। NRC की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त आसाम के अंदर भी ये NRC की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। एक आदमी का NRC कराने का असम में वो था 399 रुपए एक आदमी पर, अगर NRC आप कराएं। अब हम इसी 399 को भारत की आबादी से अगर जोड़ दें या गुणा कर दें, 137 करोड़ भारत की आबादी है, तो कुल खर्चा देख रहे हैं आप, कुल खर्चा 54,663 करोड़ रुपीस, ये खर्चा होगा NRC देश भर में कराने का। इतना पैसा खर्च होगा NRC की एक्सरसाइज कराने में। NRC का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है, हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में NRC होकर है। क्या ऐसा ठीक होगा जब देश की अर्थव्यवस्था संकट के दौर में है? क्या ऐसा कराना ठीक होगा जब कोर सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ है? क्या ऐसा करना ठीक होगा जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी संकट है? क्या ऐसा करना ठीक होगा जब 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है इस देश में? सरकारी आंकड़े हैं, मैं अपने आप से नहीं बना रहा। क्या ऐसा करना ठीक होगा जब GST कलेक्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है? अब आप सोचिए, अभी कल ही आप अगर देख रहे होंगे MCD के पास, दिल्ली MCD के पास सैलरीज नहीं है पे करने के लिए टीचर्स की, टीचर धरने बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ रेवेन्यू शेयर करना होता है GST के अंदर, उसके लिए उनके पास पैसा नहीं है, वो डिस्पर्स नहीं कर पा रहे हैं। और ऊपर से हम बात कर रहे हैं ये कि हम पूरी इंडिया में 2024 तक NRC लागू कर देंगे, मगर मान कर चलिए NRC आने वाला है, NRC बस तक। नंबर्स कहां पर है आपके? आप कोई भी बात करेंगे, आप धरातल में बात करेंगे ना, हवा में थोड़ी ना बात करेंगे आप नंबर्स बताइए हमें। मैं बोल रहा हूँ कि आप सोशल पे बात करने के लिए इतने सारे लोग हैं, मैं बोल रहा हूँ फाइनेंस की बात कहाँ पर है? आपने डिटेंशन सेंटर बना दिया है, आप उसमें 19 लाख लोगों को डालने वाले हैं उसके अंदर। अब आप ही बताइए, ये 19 लाख लोग पहले अपना कुछ खुद ही काम करके कमा रहे थे, खा रहे थे, अब आप उनको बिठाएंगे उसके अंदर तो आप क्या करने वाले हैं? सरकारी पैसे पे उनको बिठा के खिलाने वाले हैं? कब तक? कोई पॉलिसी है आपकी? क्या BJP का पर्सनल फंड है ये? नहीं, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, CFI में से पैसा निकलेगा ये और वहां पर स्पेंड होने वाला है। तो आप बताइए कि मैं बोलता हूँ एक आम नागरिक जिसको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से अगर प्रॉब्लम भी है, क्या उसको इतनी प्रॉब्लम है कि अपना नुकसान कराने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो फिर आप करते रहिए कुछ, बट अगर आप तैयार नहीं है उसके लिए तो आप फिर नंबर्स के बारे में बात करिए। आप सरकार से नंबर मांगिए कि आप ऐसा करिए, आप इस एक्ट का फाइनेंशियल इंपैक्ट और करके दीजिए। हर एक्ट का एक CNB होता है, CNB मतलब कॉस्ट एंड बेनिफिट। कहां पर है इसका कॉस्ट? आप बेनिफिट गिना रहे हो, कॉस्ट तो गिनाओ पहले। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी वाह, वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। आपको मतलब ऐसी सेंसलेस बातें सोचती कहां से? मैं ये पूछना चाहती हूं आपसे।